कांग्रेस पंजाब प्रभारी हरीश रावत की मांग। रावत ने कांग्रेस आलाकमान के सामने रखी अपनी मांग। पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त करने की मांग उन्होंने रखी है और कहा है उत्तराखंड की जिम्मेदारी के चलते पंजाब से मुक्त करें। रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तो कांग्रेस पंजाब प्रभारी हरीश रावत की मांग और उन्होंने मांग की है कि उत्तराखंड की जिम्मेदारी के चलते पंजाब से मुक्त करें। हालांकि आपको बता दें ये जो मांग है उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट करके ये जानकारी दी। रावत ने कांग्रेस आलाकमान के सामने अपनी मांग रखी। पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी से मुक्त करने की उन्होंने मांग रखी है। तो आपको बता दें कांग्रेस पंजाब के प्रभारी भी हैं हरीश रावत और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, और क्योंकि अब उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं और उसको लेकर वो फोकसली काम करना चाहते हैं, और इसलिए चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस अगर पंजाब प्रभारी वो बने रहते हैं तो पंजाब में भी जाना, वहाँ पर भी बिजी होना और उत्तराखंड के लिए भी कार्य करना, वहाँ पर भी प्रचार प्रसार करना, ये दोनों मुमकिन ना होंगे। और इसीलिए उन्होंने आलाकमान के सामने ये बात रखी है कि उत्तराखंड की जिम्मेदारी के चलते पंजाब से मुक्त करें, क्योंकि उत्तराखंड की एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर रह चुके हैं, ऐसे में यहाँ की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है और इसलिए वो चाहते हैं कि पंजाब की जो जिम्मेदारी है उससे उन्हें मुक्त किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में अब चुनाव आने वाले हैं। हालांकि पंजाब में भी चुनाव हैं लेकिन उत्तराखंड पर फोकस्ड होना चाहते हैं अब हरीश रावत, और इसीलिए उन्होंने आलाकमान के सामने ये मांग रखी उत्तराखंड की जिम्मेदारी के चलते पंजाब से मुक्त करें, ये उन्होंने कहा है। और रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। और हमारे साथ आदिति नागर न्यूज एडिटर दिल्ली जुड़ गई हैं। आदिति, तो अब कांग्रेस पंजाब प्रभारी से मुक्त होना चाहते हैं, इस पद से मुक्त होना चाहते हैं हरीश रावत? देखो, देखिए आज की बात नहीं है, पहले भी जब उन पे तमाम वो प्रभारी थे पंजाब के, तभी उन्होंने कह दिया था कि वो केवल इस पूरे मसले को सुलझाने का इंतजार कर रहे हैं। और यही वजह है कि बार बार ये बात हुई कि क्या प्रियंका गांधी पंजाब की प्रभारी बनेंगी, या फिर ये बात हुई कि किस तरीके से हरीश रावत चाहते हैं कि वो उत्तराखंड में जाके चुनाव के मद्देनजर उनको जिम्मेदारी मिले। इसलिए आज हरीश रावत ने फेसबुक पर लिखा, मैं आज एक बड़ी उपापो से उभर पाया हूँ, क्योंकि कल ही जो कैप्टन अमरिंदर थे जिसकी वजह से ये सारा मसला चल रहा था, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब दूसरी पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि एक तरफ जनभूमि के लिए मेरा कर्तव्य है, दूसरी तरफ कर्मभूमि पंजाब के लिए मेरी सेवाएं हैं। स्थितियां जटिल होती जा रही हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर का मसला आया, अब कोई ऐसा प्रभारी हो जो 24 घंटे पंजाब को दे सके, ऐसे में उन्होंने ये लिखा, क्योंकि जो जो चुनाव आएंगे दोनों जगह व्यक्ति को पूर्ण समय देना पड़ेगा। कल उत्तराखंड में बेमौसम बरसात ने जो कहर ढाया है, मैं कुछ स्थानों पर जा पाया लेकिन आंसू पोंछने में सब जगह जाना चाहता था, मगर कर्तव्य पुकार मुझे कुछ और अपेक्षाएं लेकर खड़ी हुई थी। क्योंकि ये तमाम बातें पंजाब को लेकर है, क्योंकि पंजाब में चुनाव भी है और कांग्रेस की स्थिति और दिन पे दिन जटिल होती जा रही है। ऐसे में वो ये चाहते हैं कि मैं अब पंजाब का काम नहीं, अब उतना दायित्व नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं पंजाब कांग्रेस और पंजाब के लोगों का बहुत आभारी हूँ, निरंतर आशीर्वाद और नैतिक समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उत्तराखंड से पूर्ण रूप से समर्थित हो सकूं, इसलिए आप मुझे इस जिम्मेदारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिति पूरी जानकारी के लिए।